बोला कि किसी के बगल में सोए हो और हमारे साथ कुछ नहीं उसके पास चली जाती तो आज मेरा क्या होता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन सिबलिंग्स। दिस इज मी स्वरा। सब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं, जो कि हम याद करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। जब भी हम सैड होते हैं तो वो चाहे सारी चीज़ें जब हमारे दिमाग में आती है या फिर हम वो चीज़ें किसी को बताते हैं तो हमें इतना अच्छा फील होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि उन्हें सुन के हमें अच्छा लगता है, एंड कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं कि हम जब किसी को बताते हैं तो सामने वाला भी रोने लगे, उसके रोंगटे खड़े हो जाए। तो मेरे साथ भी ऐसी स्टोरी हुई है, एंड मैं आज आपको अपनी रियल हॉरर स्टोरी बताने वाली हूँ, मेरे खुद के साथ हुई एक्सपीरियंस जो मैं मुझे आज तक याद है, एंड वो चीज़ें मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। क्योंकि बचपन में जो हमारे साथ चीज़ें हुई रहती हैं वो हम जब सोचते हैं हम मतलब हमें याद नहीं रहता हमारा बचपन कैसे था, हम क्या करते थे। आई डोंट नो, आज मैं 18 साल की हुई हूँ तभी वो मुझे चीज़ें फेस टू फेस याद है, वही चेहरा याद है जो मेरे सामने खड़ा था। एंड अगर मैं सोचती हूँ अगर मैं उस दिन उसके पास चली जाती तो आज मेरा क्या होता। गाइस, ये स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब मैं 6 या 7 साल की होंगी या फिर 8। हम लोगों का जो घर था गांव में, उस टाइम हम गांव में ही थे, एंड जो मेरा घर था उसके सामने बहुत ही बड़ा हमारा फील्ड था, और हमारा जो स्कूल हमारा खुद का स्कूल था, यहाँ पे जैसे क्लासेस हैं फिर यहाँ पे पूरा फील्ड था बहुत ही बड़ा, एंड यहाँ पे हमारा घर था और आम के पेड़ थे पूरे, यहाँ पे पेड़ वेड़ थे साइड साइड में, एंड उसके बाद एक रोड गई थी जो कि अंदर और गांव में जाती थी। हमारा जो घर था हमारे अंदर गांव में भी घर था, एंड बाहर भी जो कि रोड हाईवे हो वहाँ पे था, और हाईवे पे यू नो जो हमारा जो घर था उसके जस्ट सामने जो रोड थी वो मतलब वहाँ पे यू नो यू टर्न वाला भी था कोई ऐसा मामला, तो वहाँ पे बहुत ही सारे एक्सीडेंट होते थे। उस टाइम जब मैं वहाँ पे रहती थी तो 1 या 2 एक्सीडेंट हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावने, मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत ही यू नो सेंसिबल चीज़ें हैं। तो हमारा जो ये रोड गया था अंदर की तरफ गांव में, उसके जस्ट बगल एक ग्रेवयार्ड था जिसे हम शमशान घाट कहते हैं, जहाँ पे मुस्लिम थे उनकी जब डेड बॉडी होती थी मरने के बाद वहाँ पे दफनाया जाता था। तो वो सारी चीज़ें मुझे पता थी क्योंकि जब हम गांव की तरफ उस रोड से जाते थे जो पास में पड़ता था गांव पे, तो वहाँ पे जब हम लोग जाते थे गांव के अंदर या फिर खेलने जाते थे, या इतनी चीज़ें मुझे पता चल गई थी लोगों के बाद बात में कि हाँ ये शमशान घाट है, सबको डर लगता था। इवन मेरी दीदी जो थी वो भी लोग इस टाइम मुझसे छोटी होंगी क्योंकि मैं 7-8 साल की थी, तो वो भी ऑब्वियसली 14-15 साल की होंगी। तो मुझे ऐसी बहुत ही ये सारी चीज़ें मुझे पता थी कि ये शमशान घाट है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी, तो मुझे भी डर लगता था एंड मैं तो डरपोक हुई। तो उस टाइम गर्मियों का टाइम था एंड हम सब बाहर सोए थे, मतलब मेरी दीदी, मैं और मम्मी पापा और मेरा भाई उस टाइम बहुत छोटा था तो वो मम्मी के साथ ही अंदर सोया हुआ था। तो हम ऐसे ही आम के पेड़ के नीचे सोए थे अपने अपने बेड पे, मैं भी अपने बेड पे सोई थी कि हाँ एक बेड मुझे मिल गया मैं सोऊंगी। तो उस टाइम जब मैं सो रही थी तो मुझे मतलब एक्चुअल नहीं याद है कि मेरी नींद कैसी खुली थी, बट जब मेरी नींद खुली तो मैं मतलब यू नो आँखों के सामने ब्लर होता, एंड उस टाइम रात हो रही थी, ऐसा नहीं था कि दिन का टाइम था मतलब सुबह होने वाली थी, उस टाइम मतलब रात ही था। एंड जब मैं सोई थी तो मतलब थोड़ा उजाला था क्योंकि हाईवे था, तो लाइट जो रोड के किनारे लगी रहती है या फिर किसी के घर के बाहर लाइट्स लोग जलाए रहते हैं रात में, उससे थोड़ा थोड़ा सा मतलब सब थोड़ा थोड़ा विजुअल था, और यू नो मून लाइट जो थी वो भी थी, तो मतलब सब कुछ दिखाई दे रहा था मुझे, ऐसा नहीं था कि मतलब उतना नहीं अच्छे से दिखाई दे रहा था, मतलब रात में हम समझ सकते हैं कि कैसा, आप सब समझ सकते हो। तो मेरी नींद खुली एंड एट दैट टाइम मतलब जब मैं उठी थी तो मुझे लगा था कि मतलब मैं थोड़ा सा यू नो मुझे डर लगने लगा कि मेरी नींद खुल गई, रात में सारे लोग सो रहे हैं, मेरी दीदी लोग मेरे बगल में ही सो रही थी मतलब दूसरे बेड पे। तो व्हेन आई वोक अप तो मैंने देखा इधर उधर, तो जो मेरा ये सामने जो घर था जहाँ पे मेरे अंदर मम्मी पापा मेरा भाई सो रहा था, तो मैं जब मैं ऐसे इस साइड से मैं सो रही थी तो जब मैं ऐसे उठी तो मैंने जैसे ऐसे साइड में देखा, तो मुझे यू नो सारे लोग कहते हैं ना कि जो भूत होते हैं वो वाइट ड्रेस पहने होते थे, तो इस टाइम मुझे वो बहुत ही यू नो नॉनसेंस चीज़ लगती है कि क्यों लोग कहते हैं वाइट ही कपड़े पहनते हैं, भूत तो कोई भी कलर पहन सकते हैं, मतलब कोई ड्रेस कोड है क्या कि मरने के बाद लोग वाइट ही पहनेंगे। तो व्हेन आई जस्ट वोक अप एंड मैंने ऐसे ऐसे सब कुछ देखा
फिर मैंने जब इधर देखा तो जो हमारा घर था थोड़ा सा ऊपर था, सीढ़ी थी, चार सीढ़ी थी फिर हमारा घर था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई औरत खड़ी हुई थी। उस टाइम जब मैंने उसे देखा तो मुझे नहीं पता वो साड़ी पहनी हुई थी या फिर कुछ ऐसे वाइट था। दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आई कि वो मेरी मम्मी है, ठीक है, वहाँ पे खड़ी हुई है सामने गेट के सामने। तो मतलब मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था एंड मैंने सोचा, मैंने दो बार उन्हें बोला भी मम्मी मम्मी। तो गाइज मैं एग्जैक्ट बताया, जैसे मूवीज़ में होता है ना कि अगर हम किसी के बगल में सोए हों और हमारे साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं और हम लाइक किसी का नाम ऐसे बोल रहे हैं मम्मी मम्मी या फिर किसी का भी नाम कोई है कोई है, तो जो बगल में हमारे सोए रहता है उसका कोई रिएक्शन, जैसे लगता है कि वो यू नो बहरा हो गया, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो उस टाइम भी मैंने दो बार मम्मी बोला लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरी दीदी लोग उठ के बोले कि क्या हुआ। और मैं बहुत तेज़ बोल रही थी, लाइक मैं यहाँ पे थी और वो बहुत ही दूर थी, तो मैंने दो बार बोला मम्मी मम्मी। तो अभी मेरे साथ अगर कोई सामने ऐसा हो तो मुझे लगेगा कि वो यू नो कोई भूत है, मैं पक्का डर, क्योंकि इस टाइम हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं भूत क्या होती है ये सारी चीज़ें। तो उस टाइम तो मेरी मतलब अगर इस टाइम मेरे साथ वो चीज़ें होंगी तो मेरी तो मतलब एकदम मैं मर जाऊँगी वहीं पे। लेकिन वहाँ पे उस टाइम मुझे लगा था कि वो मेरी मम्मी खड़ी है, तो वो पूरा वाइट था, ब्लर था, तो मैंने सोचा कि वो मुझे बुला रही है, ठीक है, मुझे ऐसा लगा था कि वो मुझे बुला रही है। तो यू नो हम लोग मूवीज़ में देखते कोई बच्चे रहते हैं तो कोई भूत खड़ा रहता है तो वो उनके पास जाते हैं मम्मी मम्मी आप हो, और उस टाइम मेरे साथ भी एग्जैक्ट यही चीज़ें हुई थी एंड वो मुझे पूरा याद है मतलब सब कुछ। तो जब मैं उसके पास जाने लगी तो मैंने सोचा मम्मी है, तो थोड़ी देर बाद मतलब वो गायब हो गया, ठीक है। तो मुझे लगा कि मम्मी जो है वो घर के अंदर चली गई हैं। तो जब मैं मतलब वहाँ पर गई तो मैंने क्या देखा ये मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। उस टाइम जब मैंने देखा था दरवाज़ा वो अंदर से मतलब बंद था एंड वो सारी चीज़ें मतलब 2 सेकंड के अंदर हुई थी गाइस। एकदम दौड़ के मैं आई और बेड के अंदर घुस गई एंड ये मैंने बात किसी को नहीं बताई एंड वो चीज़ें मुझे याद है तो मैं अभी बताती हूँ सबको। उस टाइम पता नहीं क्या हुआ था, मैंने कुछ नहीं बोला या फिर मैंने ये भी नहीं बोला था कि मम्मी आप थे क्या बाहर, ऐसा की स्टोरी है वो सेम इसी से रिलेटेड है गाइस। एंड मुझे ये जब मैं चीज़ें सोचती हूँ क्यों मेरे मतलब चाइल्डहुड की मुझे दो स्टोरीज़ याद हैं एंड दोनों एक ही तरह की हैं लेकिन जगह तो चेंज है, लेकिन जो दोनों स्टोरीज़ हैं वो पता नहीं क्यों एक ही हैं दरवाजे से रिलेटेड। जब मैं पढ़ती थी क्लास UKG उसके पास ही हॉस्पिटल था, मतलब उस स्कूल के अंदर हॉस्पिटल भी थे। जो हमारे स्कूल का एरिया था उसके जस्ट वाले फील्ड के बाद ही एक और मतलब बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग नहीं थी मतलब 2 फ्लोर थे उस मतलब घर था कुछ ऐसे ही। तो वहाँ पे नीचे तो लोग रहते थे जो वहाँ पे काम करते थे वो भी वहाँ पे रहते थे, एक फैमिली थी मम्मी पापा एंड छोटी सी बेटी। तो वहाँ पे हमारा ये होता था स्टॉप था बस का, तो वहाँ पे 2 बसें थी जो कि ऐसे टर्म्स में जाती थी कि पहले टर्म में इस लोकेशन के बच्चे जाएंगे, दूसरे टर्म में इस लोकेशन के। तो मेरा 3rd या 4th था, तो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स जाती थी वो भी मेरे साथ ही थी एक मेरी फ्रेंड। तो जब तक वो बस हम लोग इंतज़ार करते थे छुट्टी में तब तक हम लोग ऐसे ही फील्ड में खेलते रहते थे इधर से उधर। ऊपर वाली जो बिल्डिंग थी वहाँ पे अलाउ नहीं था किसी को जाना, तो ये सारी चीज़ें हमारी टीचर से बहुत बार बोला था कि कोई भी बच्चा खेलते वक्त जाएगा नहीं। यू नो स्कूल में जब स्कूल का टाइम होता था तब तो ऑब्वियसली कोई नहीं जाता होगा, लेकिन छुट्टियाँ हो जाती थी मैक्सिमम सारे टीचर्स चले जाते थे, बच्चे चले जाते थे। मेरी टीचर ने भी मना किया था कि वहाँ पे ऊपर वो जो फ्लोर है वो सारे कमरे यू नो वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। उस टाइम हमें नहीं पता था क्यों नहीं अलाउ है, तो फिर भी लोग कहते थे कि वो जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे कुछ डेथ्स भी हुई हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे रूमर फैला हुआ था बच्चों के बीच। तो जिस दिन ये इंसिडेंट मेरे साथ हुई तो उस टाइम मेरा 3rd टर्म था बस का, तो 3rd टर्म में मैं जाने वाली थी जब बस आएगी। मैं और मेरी फ्रेंड्स खेल रही थी तो हमारे दिमाग में एक आइडिया, स्टूपिड आइडिया कि क्यों ना हम ऊपर वाले फ्लोर पर जाएँ। तो वो भी रेडी हो गई एंड मैं भी चलो चलते हैं, तो हम सीढ़ियों से जा ही रहे थे तब तक हमें किसी के चलने की आवाज़ आई थी कमरे के अंदर से, जूते की आवाज़। यू नो आप लोग मूवीज़ में भी सुनते होंगे जूते की आवाज़ जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग लगती है, तो वो जूते की आवाज़ आ रही थी और किसी के विस्पर करने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने मेरी फ्रेंड ने बोला सुनो, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी मतलब UKG 1st या 2nd में पढ़ती थी, तो मुझे ऐसे ही विस्पर की आवाज़ आई तो मैंने बोला कि ओ शिट ये क्या हुआ। नहीं
क्या वो लाइट कैसे बंद हुई थी। तो जब हम लोगों ने ये सुना तो हमारी मतलब हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी। इस टाइम मैं बहुत छोटी थी, UKG में पढ़ती थी। तो जब हम लोगों ने सुना तो हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, ये क्या। एंड यू नो दरवाजे के नीचे जो फ्लोर है, यहाँ पे दरवाजा है तो नीचे थोड़ा सा गैप होता है ना, वहाँ पे किसी की शैडो की इधर उधर जाने की मतलब जैसे कोई चल रहा है। तो हम लोगों को मतलब ऐसा फील हुआ कि कोई अंदर है। तो हम लोगों ने जैसे ही अपना सर ऐसे यू नो उठा के हम लोगों ने ऊपर देखा कि उस रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक है और उस पर ताले लगे हुए हैं। एंड ये चीज़ देखकर मेरे और मेरी फ्रेंड की आंखों में बिलीव नहीं हुआ। उस टाइम हम लोगों ने जितना तेज़ हो सके हम लोग उतने तेज सीढ़ियों से नीचे आए। एंड वो बात मैंने किसी से नहीं बताई, किसी से शेयर नहीं की। मतलब मेरे फ्रेंड्स को पता है अभी मैं जिससे बात बात करती हूँ, उस टाइम मैंने किसी को नहीं बताया था। क्योंकि एक तो मैंने गलती की थी कि विदाउट टीचर के परमिशन से मना किया गया था, तब भी हम वहाँ पे गए थे। एंड दूसरी मैं ये चीज़ किसी को बताती भी, छोटी भी थी, मैं भूल भी गई थी। उन्होंने बच्चे के दिमाग कुछ होता, मैं भूल भी गई थी। लेकिन वो चीज़ तो मेरी याद है, उस टाइम पता नहीं क्यों मेरे साथ ये जो भी हुआ मैंने किसी को नहीं बताया। एंड जब भी मैं वो चीज़ें देखती हूँ ना, बाहर से ताला बंद था और अंदर से विश्वर की आवाज़ आ रही थी, तो जब भी मैं सोचती हूँ ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि वहाँ पे था क्या। मतलब मुझे जानने का मन भी करता है, लेकिन जब मैं ये सोचती कि लोग भी मना करते थे वहाँ पे जाने के लिए, तब मैं सोचती हूँ वहाँ पे जो भी था बहुत ही गलत था। गूज़बम्स आ जाते हैं। अब आप भी लोग ये सुन रहे होंगे तो आपके भी यू नो गूज़बम्स आ गए होंगे। यही मेरी दो स्टोरीज थी। एंड इसके अलावा मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। गाइस, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी स्टोरी हुई है जो कि आपके साथ एक्चुअली हुई है, आपने एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड सबसे अच्छी स्टोरी को हम पिन करेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, अगर आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ कमेंट। एंड वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।